गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा YouTube चैनल काफ़ी अच्छे से चल रहा है और बहुत अच्छी ग्रोथ पे है और इतनी YouTube से इनकम होने लगी है कि मैं अब बड़ी से बड़ी गाड़ी भी खरीदने लग गया हूँ। गाइज, बहुत ही शानदार वाली गाड़ी खरीदी है मैंने अपने YouTube मनी से, तो वो उसके लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है और आपको मैं वो गाड़ी दिखाने वाला हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि मेरी जो गाड़ी है, जो थंबनेल पे भी बताई है मैंने और जो अभी मैंने वीडियो में भी बताई है, वो एकदम मस्त वाली गाड़ी है, रेंज रोवर, जो कि मैंने अभी परचेज की है, वो भी अपनी पूरी यूट्यूब मनी से। हाँ गाइज, एक्चुअल में ऐसा है कि ये सब था एक मजाक, अब सॉरी उसके लिए। लेकिन ये जो ऐप है, एक बहुत ही शानदार वाली ऐप है जिसकी मदद से मैंने ये सब किया है। एक्चुअल में उस ऐप को हम कहते हैं AR ऐप। नॉर्मली आप काफ़ी सारी AR एप्स देखते होंगे। AR का पूरा नाम मैं बता दूँ, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ये 3D और VR जो वर्चुअल रियलिटी होती है, उससे भी एक कदम आगे की टेक्नोलॉजी है, जो कि आने वाले फ्यूचर में आप सभी लोगों को बहुत जगह पे देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको क्या है कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस के साथ में आप किसी भी चीज़ को या फिर कोई टेक्नोलॉजी को आप एक तरीके से, मतलब इंटरेक्टिव तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब वो चीज़ आपके सामने है नहीं, लेकिन आप उसको पूरा 3D व्यू, उसके फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें आप उस AR के थ्रू देख सकते हैं। और यही AR का एक एग्जाम्पल है जो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐप बताने वाला हूँ। वो गाइज, ऐप बहुत ही शानदार है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसी के साथ में मैं आपको लेके चलता हूँ अब वीडियो में आगे, और कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको एक ऐप को सर्च करना है, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप डायरेक्ट उसके थ्रू भी इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है फैक्ट AR। इसमें आपको हर तरह के AR मिल जाएंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या फिर कोई गेम से रिलेटेड हो, या फिर कोई रियल लाइफ रिलेटेड जो AR है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें हर तरह की कार्स, हर तरह की बाइक्स, हर तरह के जो, मतलब जो गैजेट्स हैं वो, इसके साथ में जो जो सैटेलाइट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अपोलो 11 का इसके अंदर एक AR मौजूद है, जिसको आप अपने फ़ोन के थ्रू कहीं पे भी प्लेस करके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो आपको ऐप को इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या है कि कोई भी AR पे क्लिक कर देना है। काफ़ी सारे AR आपको देखने को मिल जाएंगे, उन पे क्लिक करना है। और आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, डाउनलोड होगा वो AR, और उसके बाद में जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा बैक साइड का। जैसे ही वो कैमरा ओपन हो जाता है, उसके बाद में आपको एक खुला स्पेस चाहिएगा। अगर बड़ी चीज़ है जैसे कार वगैरह है, तो आपको थोड़ी बड़ी जो जगह है वो चाहिएगी। आपको वहाँ पे जाना है और उसको AR को वहाँ पे प्लेस कर देना है। जैसे ही आप प्लेस करेंगे, वो कार आपको एकदम वहाँ पे प्लेस हो जाएगी। उसके बाद में आप अपने कैमरे से कहीं पे भी मूव करेंगे, लेकिन वो कार कहीं पे मूव नहीं करेगी, और आप उसको चारों तरफ से पूरा 3D व्यू ले सकते हो, मज़े कर सकते हो। इसके साथ में आप इससे उसके उस AR के साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो, वो AR एकदम ओरिजिनल लगेगा। इसी के साथ में आप उसको रीपोजिशनिंग कर सकते हो, मतलब कहीं पे गलत है तो वो आप उसको दूसरी जगह चेंज कर सकते हो, और साथ में इसको जूम आउट जूम इन करके उस गाड़ी को या जो भी AR है उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में आप जो भी अपने फेवरेट AR थे, उनको आपको अपनी लिस्ट में ऐड करने के लिए माई लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये तभी इनेबल होंगे, जैसे ही आप माई लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, अपनी फेसबुक आईडी से या फिर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन कर देंगे तो आपका एक अलग से अकाउंट बन जाएगा, और आप उसमें अपने AR को ऐड कर सकते हैं, मतलब अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं AR को, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन AR को यूज़ करोगे
तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, आपका जल्दी से एआर लोड हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकोगे। तो गाइस ऐप काफ़ी शानदार है और ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इसके साथ में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को फील करने को मिलता है, मतलब आपके सामने कोई चीज़ एकदम 3D व्यू में है खड़ी, तो आप मतलब देख सकते हो उसको अच्छे से। इसी के साथ में आप अगर गाड़ी के अंदर भी घुसोगे तो आपको उसका इंटीरियर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। साथ में ही यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे गैजेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल जाती हैं, 3D मॉडल्स मिल जाते हैं उन सब के। इसी के साथ में आप यहाँ पे अपने खुद के AR भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको इसके जो फैक्ट AR का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आप 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो आप अपने AR के यहाँ पे प्रीव्यू लोगों को दिखा सकते हो। तो गाइज ये ऐप मुझे काफ़ी शानदार लगी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये ऐप आप सभी के साथ में शेयर करनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी का एक नया एग्जांपल है ये ऐप, जिसको कि मतलब एक बार सभी को इंस्टॉल करके यूज़ करके देखना चाहिए, आप भी इंस्टॉल करिए और यूज़ कीजिए। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। इसी के साथ में अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है इस ऐप से रिलेटेड, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है इंस्टॉलेशन में या फिर यूज़ करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.